ओम सूर्य देवताय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube के इस चैनल में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पे आयुर्वेदिक पौधों की पहचान कराता हूँ, साथ में उनके आयुर्वेदिक गुणों के बारे में भी आपको बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ बहुत ही मस्त और बहुत ही चमत्कारिक आयुर्वेदिक पौधा। जी हाँ दोस्तों, इसको हम चमत्कारिक आयुर्वेदिक पौधा बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पौधे में इतनी खासियत होती है कि शरीर के सभी प्रकार की विषों को निकालने में सक्षम होती है। यह आपके लीवर, किडनी, आंतों के लिए, दांत, खाद, खुजली के लिए, स्किन रोग से रिलेटेड सारी बीमारियों के लिए काफी रामबाण औषधि मानी जाती है। तो दोस्तों आज हम इसी के आयुर्वेदिक गुणों के बारे में आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसको गौदिव्यान के नाम से जाना जाता है, कुछ जगह पे इसको वन गोभी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज हम इसके आयुर्वेदिक गुणों के बारे में आपको बताएंगे कि आप इस गौदिव्य से कौन कौन से ऐसे आयुर्वेदिक गुणों से आप उसके फायदे ले सकते हैं और शरीर की काफी सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा के ऑन कर दीजिए। साइड में जो घंटे का बटन दिख रहा है इसको भी दबा करके आप ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो आसानी से मिलते रहेंगे और आप इन वीडियो को जल्दी देख पाएंगे, सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको इसकी पहचान करा देता हूँ। यह जो पौधा होता है यह एक प्रकार से जमीन पे आच्छादित पौधा होता है। यह ज़्यादातर आपको पहाड़ी वाले इलाकों में देखने को आसानी से मिल जाएगा। यह खेतों में कम मात्रा में पाया जाता है, पर जिस जगह पर पथरीला या कंक्रीट पत्थर होते हैं उस जगह पर यह आसानी से उग जाता है। इसको गौदिव्य इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि यह जो पौधा होता है एकदम गौ यानी गोभी के आकार की तरह होता है पूरा, और यह जो है वन गोभी इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यह गोभी जैसे चारों तरफ इसके पत्ते बिखरे रहते हैं और बीच में से इसके डंडी निकलती है जिसमें इसमें फूल खिलते हैं। और गौदिव्य इसको इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि इसकी जो पत्ते होते हैं उसकी जो गौज के आकार की होती है, यानी कि आप इसके पत्तों का आकार देख सकते हैं दोस्तों, एकदम हल्के कटीले कटीले जैसे दिखते हैं इसमें। और यह जो होती है दोस्तों गौदिव्य यानी इसके जो बीच में से जब ये निकलता है, इसके आयुर्वेदिक फूल निकलते हैं, इसके फल निकलते हैं, तो यह गौ के समान एकदम चमत्कारिक होते हैं और बहुत ही अच्छी इसके फूल होते हैं। इसके दोस्तों इसके जो फूल होते हैं वह पीले हल्के पीले रंग के होते हैं। अभी जो मैंने वीडियो बनाया इस पर फलित अवस्था में या फूलित अवस्था में नहीं है, इसलिए आपको इसके फूल नहीं दिख रहा है, अन्यथा इसके जो फूल होते हैं वो पीले रंग के होते हैं, एकदम छोटे छोटे होते हैं। जैसे मैंने आपको दूधी से अवगत कराया था वैसे ही इसी प्रकार के इसके फूल भी होते हैं दोस्तों। और इसके दोस्तों इसके काफ़ी आयुर्वेदिक गुण पाए जाते हैं। अगर शरीर में अगर किसी भी प्रकार का विष है आपके शरीर में, यानी अगर आपको किसी जहरीले सर्प ने काट लिया है या फिर बिच्छू ने आपको डंक मार दिया है, तो दोस्तों घबराइएगा नहीं, यह आपके शरीर से विष को दूर करने का काम करता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर किसी भी प्रकार का बिच्छू अगर काट देता है दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसकी जड़ निकाल लेनी है आपको, और जड़ निकाल करके जिस जगह पे बिच्छू ने काट रखा उस जगह पे इसको घिस करके उस जगह पे लेपन आप कर देंगे, कुछ ही समय में वह जो जहर है बिच्छू का जो जहर है वह खींच लेती है। ये खींचने के बाद ना तो उस जगह पर स्वेलिंग आएगी यानी सूजन आएगी और ना ही किसी प्रकार का कोई रिएक्शन होगा। तो आप इसकी जड़ का जो इस्तेमाल है वो बिच्छी काटने की जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते। दोस्तों यह भी माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर कोई भी जहरीला सांप अगर काट दे तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी औषधि मानी जाती है। तो आपको करना क्या होगा, अगर आपके पास में अगर सरकारी हॉस्पिटल या फिर किसी प्रकार की मेडिकल की सुविधा नहीं है, तो आप सर्वप्रथम इसके पत्तों का कुछ रस निकाल करके जिस व्यक्ति को सर्प ने काट रखा उसके कानों में आपको एक एक बूंद जो है डाल देनी, दोनों कानों में आपको एक एक बूंद का इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो है दोस्तों हर आपको एक से डेढ़ घंटे के अंदर जो है आपको जो है इसके रोगी के कान के अंदर आपको डालना है, और कान में जब डालें तो आपको जो है इसके मुंह को जो है हल्का हल्की अवस्था में आपको चलवाना है, जिससे वह जो रस है वह आपके मस्तिष्क तक इसका जहर नहीं फैलेगा और यह जो है रोगी को जल्दी मूर्छित तोड़ने में सफलता हासिल करेगा। यानी रोगी की जो मूर्छा अवस्था आ गई यानी वह बेहोशी अवस्था में आ गई तो उसकी बेहोशी अवस्था भी टूट जाएगी। और उसके बाद जो है दोस्तों आप इसको जो है सर्वप्रथम जो है आप इसको सरकारी हॉस्पिटल में ले जा करके इसके इलाज आप करवाएं दोस्तों। यह एक प्रकार से जो मैंने बताया है यह प्राथमिक उपचार हो सकता है दोस्तों, पर परमानेंट इलाज इसका आपको हॉस्पिटल में जाकर के ही मिलेगा। दोस्तों जिन लोगों को टीबी हो गई यानी जिन लोगों को टीबी जैसी कुकर खांसी या टीबी की बीमारी है, उन लोगों के लिए काफी अच्छा औषधि का काम करती है। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको शुद्ध गाय के घी में इसकी एक पत्ती को आपको जो फ्राई कर लेनी है, फ्राई करने के बाद उसका बेहतरीन आपको लेपन बना करके छोटी छोटी गोली बना करके आपको सेवन करनी, यानी एक पत्ते को आपको एक सप्ताह तक सेवन करना है। आप इसकी मात्रा जो होती है दोस्तों 1 से 2 ग्राम से ज़्यादा इसकी मात्रा आपको कतई नहीं लेनी है,
और दोस्तों अगर जिन लोगों को दाद खाद खुजली या फिर कुष्ठ जैसी घातक बीमारी होगी तो उसके लिए भी अच्छी औषधि का काम करती है। तो इसमें आपको करना क्या होगा, आपके इसमें कुछ पत्ते ले लेना, पत्ते लेने के साथ में आपको जिस जगह पर दाद खाद खुजली हो रही या फिर दाद हो गई या फिर कुष्ठ जैसी घातक बीमारी होगी तो उस जगह पर आप इसको लगा देंगे दोस्तों, तो यह खुजली को भी दूर कर देती है। कुछ लोगों का यह भी प्रश्न होता है दोस्तों कि किस कभी कभी किसी लोगों पर ऐसे कुछ दाग पड़ जाते हैं जिनके निशानी छोड़ जाती है और उस जगह पे जो होता है दोस्तों उनकी सफ़ेद सफ़ेद स्किन दिखने लगती है, यानी नॉर्मल स्किन से भिन्न उनकी स्किन दिखने लगती है। तो दोस्तों घबराए ना, इसका पत्ते का रस जो होता है बहुत काम का होता है। अगर आप इसके नियमित रूप से अगर एक से डेढ़ महीने अगर आप इसके पत्तों का इस्तेमाल कर लेंगे दोस्तों तो गारंटी मानिए कि उस जगह पर नॉर्मल स्किन आ जाएगी और यह जो है वो सफ़ेद जैसे दाग जिनके पड़ गए उन सफ़ेद दाग को भी दूर करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। जिन लोगों की लीवर या किडनी खराब हो गई है या फिर उनको खराब होने की शिकायत रहती है तो दोस्तों उसके लिए भी काफी अच्छी औषधि मानी जाती है। तो आपको उसको क्या करना है, इसको स्वारस लेना है। स्वारस यानी इसका पंचांग यानी इसमें आपको हल्की मात्रा में जड़ लेनी है, हल्की मात्रा में इसकी पत्ती लेनी है, फूल लेना और बीज लेना है। इसका पंचांग आपको बना करके एक प्रकार का मुरब्बा जैसे आपको तैयार कर लेना है और उस मुरब्बे का जो है सेवन आपको सुबह खाली पेट करना है, जिससे आपका लीवर स्ट्रांग होगा और जो लीवर में अगर किसी प्रकार की खराबी आ गई या फेफड़े में किसी प्रकार की खराबी आ गई तो यह उसको ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है, ब्लड को बहुत अच्छी तरीके से साफ करने का काम करता है और आपके लीवर की इमेज बढ़ा देता है यानी एज बढ़ा देता है और आपके फेफड़े को भी स्वस्थ करने का काम करती है। तो दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं ये काफी अच्छी काम की औषधि है, ये बहुत अच्छी बूटी माना जाता है इसको, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। काफी आयुर्वेदिक औषधि यह मानी जाती है दोस्तों। नॉर्मल तौर पे यह दिखने वाली जो आप देख रहे हैं औषधि ज़्यादातर आपको जो है पहाड़ी इलाकों में छोटे छोटे जगहों पे आसानी से देखने को मिल जाएगी। आप कुछ मत कीजिए, इसको उखाड़ करके अपने घर पे ले आइए और इसका जो है आप इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। यह जो होती है बहुत ही अच्छी रक्त शोधक होती, वातनाशक होती, पित्तनाशक होती और कफ को यह कंट्रोल करने का काम करती, यानी सूखी खांसी में भी यह आराम देती है, टीबी जैसी घातक बीमारी में भी यह आराम देती है। यहाँ दोस्तों काफ़ी सारे लोग इसको बोलते होंगे कि यह गौजवान का पौधा है, यह गौजवान का पौधा नहीं होता, इससे सिर्फ गौदिव्या के नाम से जाना जाता है। गौजवान का वीडियो मैं अगली आपको बना करके दूंगा और उसके आयुर्वेदिक गुणों के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यह है गौदिव्या, काफी सारे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काफी सारे नामों से इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है दोस्तों। इसको जो है आप वीडियो के माध्यम से आप बता सकते हैं कि आपकी इलाके में या आपकी जगह पर इसे किस नाम से जाना जाता है और कौन कौन से रोगों में यह आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। यह खूनी बवासीर के लिए भी काफ़ी अच्छा काम करती है। तो खूनी बवासीर के लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, खूनी बवासीर में आपको जो है इसके हनी यानी शहद के साथ में आपको इस्तेमाल करना है। हनी के साथ में इस्तेमाल करेंगे तो यह जो है दोस्तों, यह जो काफ़ी जिनके खूनी बवासीर जाती है, जिनकी बवासीर ठीक नहीं होती, उनके लिए काफ़ी फायदे का काम करती है। आप इसके पत्तों को जो है घिस करके खूनी बवासीर जिस जगह पर हो रही है उस जगह पर आप इसका लेपन करके किसी प्रकार से उसको टेपिंग करके कुछ समय के लिए यानी 1 से 2 घंटे के लिए आप उसको या फिर 4 घंटे के लिए भी आप उसको एक पहर के लिए आप उसको बांध के रख सकते हैं दोस्तों। आप देखेंगे इसके चमत्कारिक फायदे देखेंगे कि यह जो अगर बवासीर अगर हो रही है तो बवासीर की जड़ से समाप्त कर देती है बवासीर को। जी हाँ दोस्तों, बवासीर के लिए भी काफी अच्छी औषधि मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को शुगर जैसी घातक बीमारी होती है और उन लोगों को अगर फोड़े फुंसी हो जाते तो आप ये जानते हैं कि उनकी जो फोड़े फुंसी होती है वो जल्द ठीक नहीं होती। तो दोस्तों यह गौदिव्या इतनी अच्छी काम करती है कि आप अगर जिन लोगों को शुगर की बीमारी है और उनका अगर घाव नहीं भर रहा है तो आप इसकी पत्तों का अच्छे से तरीके से पीसन कर लें यानी लेपन बना लें, उसका बेहतरीन बारीक पीस करके उसमें हल्की मात्रा में आपको जो कच्ची हल्दी का जो है बिल्कुल हल्की मात्रा में आपको कच्ची हल्दी डाल देना और उसके बाद जो है आपको अच्छे तरीके से इसका लेप लेना, पेस्ट बना लेना और उस जगह पे आप लगाएंगे दोस्तों तो 2 से 3 दिन में ही आपका घाव जो है काफी जल्दी रिकवर होने लगेगा और घाव जल्दी भर जाएगा। तो दोस्तों शुगर के रोगी के लिए भी यह वरदान होती है दोस्तों। आज हमने आपको गौदिव्या के आयुर्वेदिक और चमत्कारिक गुणों से आपको अवगत कराया दोस्तों। गौदिव्या बहुत ही चमत्कारिक औषधि होती है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। मेरा उद्देश्य यही होता है कि जो हमारी पुरातन काल से जो चली आ रही जड़ी बूटियों से उपचार की पद्धति फिर से पुनः उनको जो है अस्तित्व में लाया जाए और उनके माध्यम से रोगों का इलाज किया जाए दोस्तों। आप इन औषधियों का इस्तेमाल तभी करें या तो किसी योग्य परामर्श
कि आप सहायता लेकर के ही आप इन औषधियों का इस्तेमाल करें या फिर किसी आयुर्वेदाचार्य से मिलकर के ही आप इसकी पहचान करके उनके माध्यम से आप इसका इस्तेमाल करें दोस्तों। अन्यथा अगर आप किसी जहरीले पत्ते का सेवन कर लेंगे और आपको जो है उसका नुकसान हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप योग्य चिकित्सक से मिलकर के ही आप इसका इस्तेमाल करिएगा, अन्यथा आप बीमार पड़ जाएंगे या फिर आपको इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है दोस्तों। आपसे निवेदन है अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल के नीचे जाकर के लाल रंग के बटन सब्सक्राइब बटन को दबा करके सब्सक्राइब हो जाइए और कमेंट के माध्यम से हमें यह भी बताइए कि आपको आपके इलाके में इस आयुर्वेदिक पौधे को किस नाम से जाना जाता है और किस किस आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कौन कौन से रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और आयुर्वेदिक पौधे और उसके उपचार के साथ में। तब तक इजाजत दीजिए, हर हर महादेव।